हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे गाइस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्री फायर बैन होगा कि नहीं, और जो एयरटेल वाले यूजर्स हैं, मतलब उनका गेम नहीं चल रहा है, उनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क कनेक्टिविटी एरर आ रहा है। तो गाइस, इसको सॉल्व कैसे करना है इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो गाइस, पहली फर्स्ट बात कि एयरटेल यूजर के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनसे मतलब जियो में चल रहा है ये, और उनके मतलब कस्टम केयर से बात करते हैं एयरटेल वाले के, तो वो ऐसे बोलते हैं कि फ्री फायर बैन हो चुका है, इसलिए उसमें मतलब ये एयरटेल की सिम काम नहीं कर रही है। तो गाइस, ऐसे मतलब अभी फ्री फायर बैन नहीं हुआ है, मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बैन होता ना तो मोदी जी अभी तक न्यूज़ चैनलों पे अभी तक तो भाषण देने लग जाते कि फ्री फायर को बैन कर दिया गया है। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, होता तो अभी तक प्ले स्टोर से फ्री फायर मैक्स भी हट जाता, लेकिन अब मतलब उसको अभी केस पबजी ने केस किया है ना, वो अभी तक जीता नहीं है, इसलिए अभी आप दुआ करो भगवान से कि पबजी केस जीते भी नहीं, क्योंकि अपना फ्री फायर अपन को वापस चाहिए प्ले स्टोर पे। इसलिए बहुत से बंदों के साथ टॉपअप भी नहीं हो रहा है, वो टॉपअप कर रहे हैं तो टॉपअप भी नहीं हो रहा है उनका, क्योंकि फ्री फायर को प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया है। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री फायर रिमूव बैन नहीं हो रहा है, क्योंकि बैन होता तो अभी तक अपन को मतलब फ्री फायर की तरफ से नोटिस भी आ जाता, और ऐसे मोदी जी हाथ धरे नहीं रहते। गवर्नमेंट कभी भी ऐसे मतलब कुछ भी बैन करती है तो अब तक न्यूज़ पर दे देती, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए आप घबराओ मत और गेम खेलो आराम से, जिसको खिला कर रहा है। और एयरटेल यूजर को एक प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्या करे, मतलब किसी के वाईफाई से एक बार गेम स्टार्ट कर ले और फिर अपना स्टार्ट मतलब ले ले नेट यूज कर सकते हैं। और ऐसे भी नहीं हो रहा है तो कोई VPN, अच्छा से VPN जाके डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और फिर उससे स्टार्ट कर लो गेम को। और गेम स्टार्ट करने के बाद आप VPN को बंद कर देना, कहीं VPN से खेलते रहो, ऐसे कर लेना तो उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो गेम खेल पाएंगे अच्छे से। तो गाइस, फ्री फायर बैन होने की, तो भाई वो बैन नहीं होगा, आप एक दो दिन में आ ही जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, बाय बाय टाटा, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, कुछ भी खबर मिलती है तो इसी चैनल में मिल जाएगी। बाय बाय टाटा।